गाइस वेलकम बैक टू सक्सेस एनसीईआरटी वंस अगेन। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और भी कई सारे एग्जाम्स में इनसे क्वेश्चन रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में, जो वर्ल्ड की मेजर रिवर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। और आज मैं आपको वर्ल्ड मैप पे वो सारी रिवर्स को सिखाऊंगा, आपको लर्न कराऊंगा, ताकि आपके एग्जाम के हिसाब से वो अच्छे से तैयार हो जाए और साथ ही साथ आपके एटलस भी थोड़ी और तैयार हो जाए। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स की, लेकिन हम लोग हर वीडियो में सिर्फ 10 रिवर्स के बारे में बात करेंगे, ताकि कोई भी वीडियो लंबा ना हो और बोरिंग ना हो, ताकि आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहे थ्रू आउट द वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और हम स्टार्ट करेंगे नाइल रिवर से। तो नाइल रिवर कहाँ है? आपको पता है अच्छे से कि नाइल रिवर जो है वो अफ्रीका में है, और अफ्रीका में जो लेक विक्टोरिया है वहां से निकलने वाली जो व्हाइट नाइल है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैप में लेक टाना जो इथोपिया में है। तो इथोपिया का जो ये लेक टाना है यहाँ से निकलती है ब्लू नाइल, और जो लेक विक्टोरिया है यहाँ से निकलती है व्हाइट नाइल। ये दोनों मिलती हैं जाके सूडान की जो राजधानी है खार्टूम, तो वहां पर ये मिलती हैं और नील नदी का निर्माण करती हैं। तो हम कह सकते हैं कि नील नदी की ये प्रमुख सहायक नदियां हैं, और बाद में जो ये नाइल नदी है वो मेडिटेरियन सी में यानी भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। तो अब मैं आपको साथ में एक चीज और भी सिखाऊंगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं रेड सी, और रेड सी और गल्फ ऑफ अडन को जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है तो उसका नाम है बाबल मंडेब, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले अपने जो स्ट्रेट से रिलेटेड वीडियोस थी उसमें पढ़ा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और हाँ, साथ में मैं ये बता दूं कि जो नाइल नदी है वो कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। तो किन देशों से नहीं गुजरती है, बस आप उतना याद रखिए कि चाड से होकर नहीं गुजरेगी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक से होकर नहीं गुजरेगी, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ऐसे पूछे जाते हैं कि किस किस देशों से होकर गुजर रही है, और उसमें ऐसे देशों का नाम लगा दिया जाएगा जहां से वो गुजरती ही नहीं है। तो इस तरह से वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का काम करेंगे। एक बार आप उसको देख लीजिएगा मैप में, और साथ ही साथ मैं भी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कौन कौन से वो 11 देश हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम बात करेंगे अमेजन नदी के बारे में। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नाइल नदी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जो अमेजन नदी है वो ड्रेनेज जो एरिया है उसका, उस मामले में सबसे ज्यादा बड़ी नदी है। याद रखिएगा करीब 70 लाख वर्ग मीटर जो है इसका कुल ड्रेनेज एरिया है, तो इसका याद रखिएगा। और कहाँ से निकलती है? ये एंडीज से होकर निकलती है और अटलांटिक ओशन में जाकर गिर जाती है, तो उसका विशेष ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी है ड्रेनेज एरिया के मामले में, लेकिन सबसे लंबी नदी जो है वो है नाइल नदी, जो कहाँ है? अफ्रीका में है। तो अब हम बात कर लेते हैं मिसिसिपी और मिसौरी नदी के बारे में। तो मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो आपको यूएसए में देखने को मिल जाएंगी, और मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है वो वहां की सबसे प्रमुख नदियों में से एक है। और ये कहाँ से है, इनका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स है रेड रॉक मोंटेना, और ये कहाँ आउटफ्लो होती है? तो ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में जाकर गिर जाती है, जिसकी अप्रॉक्स लेंथ है 5,970। तो यहाँ पर आप मैप में देख पा रहे होंगे, देखिए ये है मिसिसिपी रिवर, ठीक है, और ये गल्फ ऑफ मेक्सिको। और यहाँ पर आप एक चीज और देखेंगे कि ये है मिसौरी नदी, देखिए। तो मिसौरी नदी और मिसिसिपी जो रिवर है ये माउंट लुइस पे जाकर मिलती हैं, और वहां से ये मिसिसिपी की मुख्य धारा में आगे बढ़ते हुए गल्फ ऑफ मेक्सिको में गिर जाती है। अब हम बात करेंगे यांगजी नदी के बारे में। तो यांगजी नदी याद रखिएगा कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, और कहाँ पर है? ये चाइना में है। ये तिब्बतन प्लेट्यू से निकलती है, यानी तिब्बत के पठार से निकलती है, जिसको हम पामीर का पठार भी कहते हैं, और ये यहाँ से निकलते हुए ईस्ट चाइना सी में जाकर गिर जाती है, तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ इसके फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इट राइजेज एट जारी हिल इन द टंगुला माउंटेन्स इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू एंड फ्लोज इन जनरली ईस्टर्न डायरेक्शन टू द ईस्ट चाइना सी। यानी ये टंगुला माउंटेन से होकर निकलती है, ठीक है, जो जारी हिल से टंगुला माउंटेन में वहां से निकलती है, और अपने ईस्टवर्ड डायरेक्शन में मूव करते करते आखिर में ईस्ट चाइना सी में जाके गिर जाती है। एक चीज अब थोड़े फैक्ट्स जान लेते हैं कि इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो इसका आप इस विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि तीसरी सबसे लंबी नदी है, और ये पूरी कंट्री से होकर बहती है, मतलब पूरी कंट्री में आप देखेंगे इसको, चाइना में देखेंगे तो पूरी कंट्री को ये जो क्या कहते हैं उसको हॉरिजॉन्टली पूरा पार करते हुए इस चाइना सी में गिर जाती है। अब हम बात करेंगे कि थ्री गॉर्ज डैम जो है यांगजी नदी का, ये विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है।
ठीक है, पॉइंट देखिए कि द जिंशा रिवर इज द नेम फॉर 2308 किलोमीटर ऑफ द यांगजी फ्रॉम ईविन अपस्ट्रीम टू द कॉन्फ्लुएंस विद द बटांग रिवर। यानी जो ईविन अपस्ट्रीम से लेकर बटांग रिवर तक मिलने तक हम यांगजी को जिंशा रिवर के नाम से बुलाते हैं या कहते हैं, जिसकी लंबाई करीब 2308 किलोमीटर तक हम इसको जिंशा रिवर की तरह पहचानते हैं। यांगजी रिवर हैज सीन हाफ ऑफ द यूनिक स्पीसीज टू इट्स वाटर गो एक्सटिंक्ट। यानी जो यांगजी रिवर है इसमें जितने मतलब अभी तक जितने भी इसमें स्पीसीज थे उसमें से आधे ज्यादा क्या है वो अब लुप्त हो चुकी है। जो स्पीसीज थी जो जीव वगैरह इसमें थे तो उसमें आधे से ज्यादा अब तक विलुप्त हो चुके हैं। अब आपको देखिए इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए, लेफ्ट राइट इसकी ट्रिब्यूटरीज देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि एक बार बस इसका नाम देख लीजिए ताकि ये पता रहे कि अगर ये नदियों के नाम आए तो आप उसको मैप में याद रखें कि ये चाइना में है। जैसे यालोंग है, मिन है, तुओ है, ज़ियालिंग है, हन है, तो इन तरह से आप इन सबको देख लीजिएगा और याद रखिएगा कि ये सब चाइना में है। अब हम बात कर लेते हैं ओब रिवर की। तो ओब रिवर क्या है, ये रसिया में है, ठीक है, और रूस में ये अल्टाई माउंटेन से निकलती है और गल्फ ऑफ ओव में जाके गिर जाती है। तो इसकी लंबाई करीब 5567 यानी 5567 किलोमीटर है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे, इस जगह पे आप देखिए, देखिए क्या है कि ये सब जैसे ये ओब रिवर है ये सब क्या है, ये नॉर्थ की ओर बहने वाली नदियां हैं। और जो ये पार्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं इसको दिखा देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ, ये है गल्फ ऑफ ओब। तो इस गल्फ ऑफ ओब में जाके जो ये ओब रिवर है ये क्या हुआ है वो वहां जाकर गिर जाती है। अब साथ में ये भी देख लीजिए कि कारा सी है ये है बैरन सी, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूराल माउंटेन, ठीक है। तो इस तरह से मैं आपको ये चीज समझा रहा हूँ कि ओब रिवर नॉर्थ की ओर बहती हुई गल्फ ऑफ ओब में गिर जाती है। ये आप कारासी को देख पा रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बैरन सी को, ठीक है। ये देखिए क्या है, ये है आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल का मतलब क्या है, यानी 66.5 डिग्री यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 66.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड यानी उत्तरी अक्षांश। तो ये है इसका आर्कटिक सर्किल, ठीक है, इसको याद रखिएगा। बात कर लेते हैं हुआंगी रिवर के बारे में। तो इसको येलो रिवर भी कहते हैं, और येलो रिवर क्यों कहा जाता है क्योंकि ये अपने साथ में थोड़ा येलोइश ब्राउन क्या है सेडिमेंट लेकर, तो ठीक है, तो येलो रिवर जो है इसको देखिए क्या कहा जाता है, इसको चाइना का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इसमें बाढ़ काफी ज्यादा आती है, ज्यादा जो वहां के एग्रीकल्चर जो है प्रॉपर्टी उसको काफी नुकसान भी इससे पहुंचता है। तो क्या है इसका सोर्स, इसका सोर्स है कुनलुन माउंटेन्स, और ये कहाँ पर है, ये वेस्ट चाइना में है, और इसका आउटफ्लो कहाँ पे है वो है गल्फ ऑफ शिहली, यानी कि इसको मैं इसमें कह सकते हैं कि बोहाई वे या फिर बोहाई सी, जिसके बारे में हम लोगों ने स्टेट्स में भी बात की है। तो ये बोहाई सी में जाकर या बोहाई वे में जाकर गिर जाती है, और इसकी लंबाई है 4667 किलोमीटर। तो आप यहाँ पर मैप में देख पा रहे हैं, तो यहाँ से ओरिजिन होते हुए ये क्या करती है, सीधे देखिए यहाँ पर जाके गिरती है, और ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये है बोहाई वे या फिर इसको हम कहते हैं बोहाई सी, जो कि येलो सी का, ये येलो सी है और येलो सी का एक नॉर्थ वेस्टर्न एक्सटेंशन है, ठीक है। तो यहीं पे आपने बोहाई स्ट्रेट भी देखा था। अब हम बात करेंगे येनिसेई नदी के बारे में। तो ये कहाँ पर है, ये है रसिया में है, और इसका आउटफ्लो कहाँ पर है वो है आर्कटिक ओशन में जाके गिरती है। सोर्स क्या है, तो ये है सोर्स है इसका टेनू ओला माउंटेन्स वेस्टर्न टूवा रसिया, तो ये इसका सोर्स है, यानी टेनू ओला माउंटेन्स इसका सोर्स है, वहां से निकलते हुए ये नदी यानी येनिसेई नदी आर्कटिक ओशन में जाके गिर जाती है। इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड एंड द लार्जेस्ट ड्रेन इन टू द आर्कटिक ओशन, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वो जो है वो मैंने बता दिया आपको कि कहाँ से देखिए इसका सोर्स है और कहाँ आउटफ्लो है, तो ये ज्यादा इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसका ध्यान रखिएगा। बाकी सोर्स इसका है टेनुओला माउंटेन्स जो कि वेस्टर्न ट्यूबा में है, और जो ट्यूबा कहाँ है वो है रसिया में, और इसका आउटफ्लो कहाँ है, ये आर्कटिक ओशन में है। तो आप यहाँ पर इस मैप में देख पा रहे होंगे कि कैसे ये येनिसेई नदी जो है वो आर्कटिक ओशन में जाके गिर जा रही है, और ये है आपका गल्फ ऑफ ओब जिसमें ओब नदी गिरती है, ये है आपका यहाँ पे देख सकते हैं बैरन सी और है कैरा सी, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब हम पराना नदी के बारे में बात कर लेते हैं, पराना नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। पराना नदी कहाँ है, ये है साउथ अमेरिका में, और इसका सोर्स क्या है, इसका है सोर्स कॉन्फ्लुएंस ऑफ ग्रांडे रिवर और पैरानाइवा रिवर्स। तो इन रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस जो है इसका सोर्स है, और इसका आउटफ्लो कहाँ है, ये आउटफ्लो है इसका रियो डी ले प्लाटा, और इसकी लंबाई है 4498। अब हम लोग मैप में देख लेते हैं, तो ये आपको एक गल्फ जैसा दिखाई दे रहा है, इसी को कहा जाता है रियो डेला प्लाटा, और यहाँ पर जो पराना रिवर है वो आकर
गिर जाती है। ठीक है, अमेजन के बाद पराना रिवर भी काफी महत्वपूर्ण और मुख्य नदियों में से एक है साउथ अमेरिका की, जो गल्फ जैसा आप यहाँ पर फीचर देख पा रहे हैं, तो इसी को कहा जाता है रियो डी ला प्लाटा, और ये अटलांटिक ओशन जाके मिल जाता है। अब हम बात करेंगे एल्टिश नदी के बारे में। तो फिर समझ लीजिए कि एल्टाइश नदी जो है, या एल्टाइश रिवर जो है, वो अल्टाई माउंटेन से होकर निकलती है, जो कि कहां पर है, रसिया में है। और आउटफ्लो क्या है इसका, ये है ऑब रिवर, यानी ऑब रिवर में जाके मिल जाती है। और इसकी जो लंबाई है वो है 4,438 किलोमीटर्स। ठीक है, और अब यहाँ पर देखिए, ये है एल्टिस नदी, और ये क्या कर रही है, ये जाके ओब नदी में मिल जा रही है। फिर यहाँ पर दोनों ही नदी यानी मुख्य धारा ओब के रूप में ये जाके गल्फ ऑफ ओब में गिर जा रही है। हाँ, तो यहाँ पर देखिए इस मैप में भी आप देख सकते हैं, ये एल्टिस रिवर है जो अल्टाई माउंटेन से होकर निकल रही है, और अल्टाई माउंटेन कहाँ पर है, रसिया में है। और वहां से देखिए ये बढ़ते बढ़ते ओब रिवर में जाके मिल रही है, और ओब रिवर की मुख्य धारा में से होते हुए ये गल्फ ऑफ ओब में गिर जा रही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ज़ायरे रिवर के बारे में। तो याद रखिएगा कि अफ्रीका की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और इसके बारे में एक फैक्ट है कि ये जो नदी है वो इक्वेटोरियल लाइन जो हमारी, जो 0 डिग्री लाइन जिसको हम बोलते हैं, 0 डिग्री लेटिट्यूड बोलते हैं, तो इसको ये 2 बार काटती है। और यह भी याद रखिएगा कि ये विश्व की सबसे गहरी नदियों में से एक है, कहीं कहीं पर इसकी जो गहराई है वो 220 फीट तक है। तो याद रखिएगा इसको, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जायरे नदी जो है वो देखिए यहाँ पर, ये लुआलवा जो नदी आप देख पा रहे हैं, और ये जो नदी देख पा रहे हैं ये है लुआलव नदी। तो ये जो लुआलव नदी है और ये जो लुआलवा नदी है, यानी जो लुआलवा रिवर है, तो ये दोनों का जो कॉन्फ्लुएंस है वो क्या है, जायरे नदी को, या फिर जायरे नदी का सोर्स है। ठीक है, तो इसका याद रखिएगा। और ये जो नदी है ये जहाँ कहाँ गिरती है, साउथ अटलांटिक ओशन में जाके गिर जाती है। तो जायरे नदी को ही हम क्या कहते हैं, कांगो नदी भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट नदी है ये कांगो नदी, और जायरे नदी जिसको हम कहते हैं, और ये नील के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की। तो ठीक है, देखिए हमने आज 10 रिवर्स के बारे में पढ़ लिया है, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और आप इसको जरूर, इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, अच्छे से आप इसको मैप में भी लोकेट कर पाएंगे। साथ ही साथ ये कहाँ से इनका सोर्स है, कहाँ पर ये आउटफ्लो हो रही है, कहाँ पर गिर रही है, तो इसका भी आपको अच्छे से अब नॉलेज हो जाएगा, या हो गया होगा। तो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट, मैं आपसे कह रहा हूँ इस चीज को। और पिछले आप एग्जाम उठाकर देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, तो उसमें भी आपको काफी क्वेश्चन जो है वो वर्ल्ड की रिवर्स रिलेटेड मिल जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो उसको जरूर लाइक करें, और अगर आप नए हैं चैनल पे तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, तो जरूर क्वेश्चन अपना कमेंट बॉक्स में हमको जरूर भेजें, ताकि हम आपको समय से आपको वो आंसर दे सके। आप हमारे टेलीग्राम हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में भी आप हमको हमारे ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका हैंडल है @SuccessNCERTUPSC, और वहां पर आप इससे जुड़ी क्विजेस भी दे सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाकी सक्सेस एनसीईआरटी के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।